हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। लड़कों में चाहे सेक्स पावर की कमी हो या फिर नीचे के अंग में तनाव कम आता हो, खड़ापन कम आता हो, आज के इस वीडियो में जो यौन दुर्बलता दूर करने वाले लड्डू बनाना मैं बता रही हूं, वो लिंग की कमजोर नसों को भरपूर मजबूती देते हैं और लड़कों की सेक्स पावर को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए बिना देर किए ये लड्डू बनाते हैं, जिससे आप एक अच्छी हेल्दी सेक्स लाइफ जीने का सुख पा सकेंगे। और हाँ, ये लड्डू आप हर मौसम में खा सकते हैं, सर्दी गर्मी या बरसात में ही खाएं, ऐसा कोई झंझट नहीं है। इसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि घी वीरे की क्वालिटी को अच्छा करता है। फिर इस घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब इस गर्म घी में हम ये सफेद खाने वाला गोंद तलेंगे, क्योंकि गोंद लड़कों में सेक्स पावर को भी बढ़ाता है और वीरे को भी गाढ़ा करता है, जिससे लड़कों में शीघ्र पतन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और ये मैं घी में डाल रही हूँ 50 ग्राम सफेद गोंद। आप देख रहे हैं कि गर्म घी में जाते ही ये हमारा गोंद एकदम बढ़िया से फूलने लगा है। दोस्तों, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर गोंद का सेवन घी के साथ करने से बॉडी में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है और लड़कों में सेक्स टाइम बढ़ता है। इसके अलावा रूटीन लाइफ में जो लड़कों में थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ तक कि सेक्स के दौरान जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस तरह घी के साथ गोंद का सेवन करने से ठीक होती हैं। इसलिए ये जो लड्डू हम बना रहे हैं, इसमें इस तरह घी में फ्राई करके गोंद आप जरूर डालना। तो देखिए, बात करते करते ये गोंद हल्का गुलाबी हो गया है, अच्छे से फूल गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी कड़ाही में डालेंगे 500 ग्राम देसी घी और इसे गर्म होने देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार घी, दूध और दही, ये तीनों चीजें लड़कों की बॉडी में वीर्य बढ़ाने का काम करती हैं। अब आजकल गाय का शुद्ध दूध तो सबको पीने को मिलता नहीं है, इसलिए घी में ये लड्डू बनाने से आपके नीचे के अंग को ताकत मिलेगी, नसों की कमजोरी दूर होगी, भरपूर कड़कपन आपके अंग में आने लगेगा, वीर्य में चिकनाहट बढ़ेगी और शीघ्र पतन की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। तो ये जो 500 ग्राम घी हमने कड़ाही में डाला था, वो अब गर्म हो गया है। अब हम इस गर्म घी में डालेंगे गेहूं का 1 किलो आटा। अगर आपके पास लड्डू बनाने वाला मोटा आटा हो तो बेस्ट है, वरना आप डेली घर में जो आटा काम में लेते हैं वो ही काम में ले लीजिए। गर्म घी में आटा डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर इस आटे को अच्छी तरह भूनेंगे। ये हमारा आटा एकदम अच्छी खुशबू देने लगे और इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए, तब तक हमको इसे सेकना है घी में। और सेकते टाइम इसको लगातार चलाते रहना होगा, वरना क्या होता है ना कि आटा नीचे से जल्दी लाल हो जाता है और जलने भी लगता है, पूरे आटे की फिर एक सी सिकाई नहीं हो पाती है। इसलिए इस तरह इसको लगातार चलाते हुए सेकेंगे, 10-12 मिनट में ये सिककर रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने 1 किलो गेहूं का आटा मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट सेका और अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी काफी डार्क हो गया है, तो इसका मतलब ये सिककर एकदम तैयार है। तो अब मैं गैस बंद करके इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, ताकि ये अपनी ही हीट से ओवरकुक नहीं होगा, जलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे कि जो गोंद हमने भुना था ना, उसको हम इस तरह बेलन से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गोंद तो लड्डू में नहीं खा सकते ना, तो ये एकदम आराम से क्रश हो जाता है, ना टाइम लगता है ना मेहनत लगती है, बस एकदम फटाफट हो जाता है। ये देखिए, क्रश करके छोटे टुकड़े इस भुने हुए गोंद के हमने कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और इसमें हम 750 ग्राम गुड़ डालेंगे और इसको गर्म होकर पिघलने देंगे। ये गुड़ आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे तो जल्दी पिघलेगा। गुड़ को आपको तेज आंच पर नहीं पिघालना है, मीडियम फ्लेम ही रखनी है। इसको थोड़ा चलाते रहना होगा, जिससे ये जल्दी पिघलेगा और ये चलाते रहने से कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं, जलेगा भी नहीं। ये ध्यान रखिए कि हमको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। पकाने से लड्डू बहुत टाइट बनते हैं, खा नहीं सकते फिर इतने टाइट लड्डू, इसलिए बस जब ये गुड़ पिघल जाए तभी हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट में ये 750 ग्राम गुड़ पिघल गया है। इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि उबाल आने लगा है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें मैं एक बहुत खास चीज डालूंगी जो आपकी नसों में जोश और ताकत भर देगी, इसलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अब इस गर्म गुड़ में हम डालेंगे भुना हुआ 1 किलो गेहूं का आटा। ये इस तरह सारा का सारा आटा आपको गर्म गुड़ में डाल देना है। फिर इसमें हम डालेंगे घी में भुनकर क्रश किया हुआ खाने वाला सफेद गोंद। ये देखिए, जो गोंद हमने भून कर रखा था वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब लड्डू के इस मिक्सचर में हम डालेंगे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम किशमिश। ये सब कुछ मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था,
ताकि लड्डू का मिक्सचर तैयार करते टाइम ये सब कुछ गरम गरम मिक्सर में डाल सकूं, क्योंकि आप जानते हैं कि लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो जाए तो फिर लड्डू नहीं बांधे जा सकते। अब बारी है इसमें सबसे खास चीज डालने की, और वो चीज है ये अश्वगंधा पाउडर। ये आपको किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। गाँवों में तो हर साल सर्दी में अश्वगंधा और सफेद मूसली के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं, क्योंकि ये चीजें सर्दी से तो बचाती ही हैं, साथ ही साथ बॉडी की नसों में गजब का जोश और ताकत भर देती हैं। तो ये अश्वगंधा का पाउडर हम डालेंगे सिर्फ 100 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं डालना है। अश्वगंधा का यूज एक लिमिट तक ही करना होता है, वरना ये पाचन शक्ति और ब्लड प्रेशर खराब कर सकता है। बस अब ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारा मिक्सचर एक सार हो जाए। अब हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। ये मिक्सचर हल्का गर्म रहे तभी लड्डू बांध लें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बांधे जा सकेंगे, ये बिखरने लगेगा। लड्डू बांधते टाइम ये मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपके नहीं, इसके लिए हम अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा इसमें से मिश्रण लेंगे। उसे इस तरीके से बाइंड करके लड्डू बना लेंगे। बस इसी तरह सारे लड्डू बना लीजिए। बीच बीच में जब भी मिक्सचर हाथों पर ज्यादा चिपकने लगे तो फिर से हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए। अगर लड्डू बनाते बनाते मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाए और लड्डू बांधने में प्रॉब्लम आए तो आप इस मिक्सचर को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और लड्डू बना लीजिए। ये देखिए, एनर्जी से भरपूर लड्डू तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, और आपने देखा कि ये बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। तो रोजाना एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाइए और ऊपर से एक कप गर्म दूध पी लीजिए। ये लड्डू आपकी नसों की कमजोरी दूर करके आप में नया जोश भर देंगे, आपकी सेक्स पावर को 10 गुना बढ़ा देंगे, लिंग में कड़कपन नहीं आने की प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को भी खत्म करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में नई खुशियां, नई स्फूर्ति आएगी। लड्डू पूरे तरीके से ठंडे होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए। ये 2 महीने तक खराब नहीं होते। तो आप ये लड्डू बनाइए, खाइए और अपनी कमजोर सेक्स पावर बढ़ाकर आप एक अच्छी, हेल्दी और हैप्पी सेक्स लाइफ एंजॉय कीजिए।